आओ दिलदानी माड़ा मेरा सिद्धू मूसे वाला। सो गाइस गुड मॉर्निंग, अब हम यहाँ पे अमृतसर के लिए निकल चुके हैं। देखिए गेट आ चुका है अमृतसर का, आपको दिख रहा होगा सामने। ये देखिए आज आपको अमृतसर की सारी जर्नी दिखाएंगे। गाइस हम पहुँच चुके हैं, ये गेट आ चुका है अमृतसर का, यहाँ से हमारी एंट्री होने वाली है अमृतसर के लिए। सो गाइस हम एंट्री कर चुके हैं, ये हमारी एंट्रेंस है अमृतसर गुरुद्वारे की। देखिए बहुत अच्छा बना रखा, बहुत ही ब्यूटीफुल है। और अभी भी हम यहाँ पे मार्केट घूम रहे हैं, उसके बाद गुरुद्वारे में जाएंगे, वहाँ के आपको दर्शन कराएंगे अगर आप पाएंगे तो। ये देखिए सारे घूम रहे हमारे, फोटो शोटो चल रही है बढ़िया। तो गाइस हम दरबार साहब के बिल्कुल पास पहुँच चुके हैं, देखिए हमारी एंट्रेंस, यहाँ से आपको पता लग जाएगा दरबार साहब की हमारी एंट्री हो रही है। और बहुत ही बढ़िया है, बड़ी अच्छी रौनक लग रही है, बड़ी शांति सी महसूस हो रही है यहाँ पे पहुँच के, अलग ही वाइब है यहाँ से। और हम एंट्री कर चुके हैं दरबार साहब में, बहुत अच्छे नज़ारे हैं, बड़े अच्छी मतलब वाइब आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। हाँ जी कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, फर्स्ट टाइम आई हो? ये हमारी मैडम की ने बोला था कि मुझे कभी देखा नहीं अमृतसर, तो मैंने कहा चल शादी के बाद तुझे दिखाऊँगा। तो फाइनली आज अब हम आ चुके हैं और दर्शन करा रहा हूँ इसे अमृतसर की। और हमारी एंट्री हो चुकी है दरबार साहब में, बस बिल्कुल एंट्री शुरू हो चुकी है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर लग रहा है बाबा जी का दरबार, बहुत अच्छा। भाई ने जैसे बताया हम अंदर आ चुके हैं, अंदर आने के बाद हम सारे एकदम रेडी है। ये रहा प्रभ, प्रभ का ड्रेसिंग देख लो भाई, फुल ऑन पंजाबी, भाई का ड्रेसिंग देख लो। या मम्मी से चला नहीं जा रहा था तो मम्मी के लिए व्हील चेयर ले ली, एवर यूँ कर दो मम्मी, मम्मी यहाँ पे आ गई। मैं आपको पहले तो दर्शन कराता हूँ भाई पूरा अमृतसर के, और बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है, मज़ेदार और बहुत ब्लेस ब्लेस फील होता है जब हम कभी ऐसे आते हैं। क्यों बड़े टाइम बाद मम्मी, आज मेरे पापा ना, मेरे पापा पहली बार आए हैं अमृतसर, मेरे पापा कभी आए नहीं। तो ज़िंदगी में क्या होता है कि इंसान बहुत कुछ ले लेता है, बट अपनी जो धर्म है, या कई बार ऐसा होता है कि इंसान मजबूरी में नहीं आ पाता। ये चेक करो जो सुकून इसको देख के आ रहा है ना, विश्वास मानना उतना ही सुकून देख के सामने से आ रहा है, फ़ोन में जितना आपको लग रहा है। ये देखो ये वो बेरी वाला बाग है जहाँ पे कहते थे कौआ जाता था और हंस बाहर आता था, सारे रोग दूर हो जाते हैं। ये देखो यहाँ, हाँ जी ऋषि ऋषि वर्ल्ड, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो ब्लॉग बना दिया, अब यहाँ पे ब्लॉग बना के पूरा डालेंगे। एक लड़का गया, ये अमृत प्रिय है मम्मी, कैसा लग रहा पापा पहली बार आए हो? बहुत ही मन को सुकून मिल रहा है, क्या बात। पहली बार ही आए हो आप ना? पहली बार आए, इतने सालों इतनी बार जलंधर आया हूँ, कभी नहीं आए, आने का मौका ही नहीं। देखो जब किस्मत खुलती है इंसान की तभी आता है। तो बच्चों के साथ के बहू के साथ, हाँ और हाँ मजे की बात ये भाभी के साथ आए हैं, ये बुआ की हालत ख़राब हो गई है, भाभी पसीने पसीने, गोरियाँ इतनी लाल लाल लग रही हैं, लाल नहीं है गोरियाँ सारे, इसको ये काली लग रही है कि ये ना के नहीं आई। यहाँ पे एक बारी पानी की सेवा है, तो पानी एक बारी पी लेते हैं फिर देखते हैं कैसा है। यहाँ पे इस तरीके से पानी की सेवा मिलती है हर बार, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, तो एक बारी पानी ले लेते हैं जो गंगा जल है, पी लेते हैं। बहुत सही और ले लेते हैं बड़ी पानी से। यहाँ पानी धो के लाते हैं और यहीं पे रखते हैं, यहाँ से दोबारा ये नीचे घुमा के सर्कल कर देते हैं। बहुत सिंक्रोनाइज कर रखा है इन्होंने, हर एक चीज़ एक सिस्टम के साथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ भी कहीं रख दो। तो ये चीज़ तो काबिलियत है यहाँ की भाई। और एक चीज़ और है, कहते 200,000 बंदा, मतलब मैं यहाँ से बताता हूँ, कहते 200,000 बंदा रोज आता है, ज़्यादा ही आता होगा। एक एग्जांपल है ये देखो मछली फिशेस। चलो यार आगे और चलते हैं, फिर दर्शन और कराते हैं आपको। अभी हम यहाँ पे सरोवर में नहा के आए हैं सारे के सारे, भाई पापा और बड़ा वाला भाई मेरा, और
लेडीज़ वाले में भाभी और भाभी गई हैं, छोटू गई थी, प्रभ नहीं गई, बुआ नहीं गई और मम्मी नहीं गई। मम्मी से तो खैर जाया नहीं जाता। बहुत आनंदित हुआ, बहुत ज़बरदस्त लगा। मतलब ऐसा लगा कि भाई, मतलब कहते हैं ना किसी चीज़ की वैल्यू पता करनी हो तो वो चीज़ जब ख़त्म हो जाती तब पता चलती है। इतनी धूप में पानी के अंदर गए ना तो पानी की वैल्यू पता चल गई। कहते नहीं कहते हैं पापा, मानते नहीं मानते। मज़ा आया। ये भाभी मम्मी के साथ गोसिप कर रही हैं, खुश है दोनों सास बहू। क्या बात कर रहे हो हैं, क्या कह रहे हो? मजा आया। चलो भाभी को भी एंजॉय है। दिखा रखा मैंने, यही है, यही है। बुआ से पूछ लो। अच्छा यही बेरी है वो। देखो इसके अंदर क्या होता था जो मैंने आपको बताया था, कहते हैं कि इधर है उस साइड पे, देखो ये रहा, ऐसा ही है वो भी। यहाँ लोग सरोवर बनाते हैं इसे। कितना सुंदर लग रहा है। सारे हम दर्शन कर रहे हैं, मम्मी बाबू को की थोड़ी सी, भाभी भाई, बुआ, भाभी, छोटू, मैं, ऊपर से नोट सेट, सॉरी ऊपर से नोट डालते हैं इसमें अपनी श्रद्धा अनुसार, और यहाँ पे मत्था टेक के अपनी मन की मुराद मांगते सारे लोग। पहले हमने प्रसादा चखने के लिए डिसीजन लिया है, मम्मी को भूख लग रही थी, और कोई दाल है, खीर है और एक प्रसादा है। मम्मी यहाँ बैठी है और बहुत अच्छा लग रहा है, और बाकी के सारे लोग अंदर की साइड बैठे हैं। तो पहले प्रसादा ख़त्म करते हैं फिर आगे मिलते हैं आपसे। हमारे दर्शन हो गए हैं, सारे आ गए। मम्मी बहुत ज़्यादा थक गई थी, इमोशनल भी हो गई थी, रोने लगी। भाई बुआ सारे अब यहाँ पे अपने जूते लेने आए हैं। अब इसके बाद मैं यहाँ से व्हील चेयर रखने जाऊँगा। कैसा लगा बुआ, मज़ा आया? बहुत अच्छा। आपको पापा? क्या हो गया? मम्मी की तो हालत ख़राब हो गई। गर्मी गर्मी है, अब गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। मेरे बाल बाल थोड़े बिगड़ गए हैं, अभी अंदर जाके सेट करूँगा। अभी मैंने ऊपर से वो पटका सा उतारा है, भाई बहुत गर्मी है। भाई आराम से बैठा है, भाई ने बड़ा ही मेहनत करी है। अभी शूज़ भी लेके आया, अभी हम व्हील चेयर भी देके आएंगे। अभी यहाँ से चल रहे हैं घर की तरफ और आगे मिलते हैं। यहाँ पे रुक गया, मम्मी पी रही है लस्सी। यहाँ की लस्सी बड़ी फेमस है, ये ऑलरेडी बना के रखते हैं भाई, यूट्यूब पे भी आपने देखी होगी। भाभी को बड़ा शौक था लस्सी पीने का, ये भी पूरा हो गया। कैसी है लस्सी मम्मी, क्या पियोगे? लस्सी पियो, क्या पियोगे? ये लो लस्सी पियो। भाई आप क्या लोगे? लस्सी है वो, आप क्या लोगे? आप तीन लस्सी और दे दो। कैसी है लस्सी? पीनी है, पीनी है। कैसी लगी? मक्खन चेक करो, ये मक्खन है, ये देखो ये मक्खन ही मक्खन भरा हुआ इसके अंदर। ओ ये लो पकड़ो जी, ये लो जी, चेक करो भाई लस्सी, बहुत ज़बरदस्त लस्सी है। मैं भी पी लूँ, मेरे बाल बिगड़े हुए हैं। कोई नहीं, मैं मुँह पे लग जाएगी। देखो भाई जैसे आप देख रहे हो इसके मुँह पे लगेगी, इसी से पता लगेगा कि मक्खन वक्खन बढ़िया डला हुआ है। जैसे देखो अब पी के फिर गाड़ी में चल के बात करते हैं। चलो भाई, जब हमारी लस्सी तो हो चुकी है, बच्चों की फरमाइश है कि आइसक्रीम खानी है, तो उसके चाचा लेके आए हैं उसको आइसक्रीम खिलाने के लिए। हाँ भी केड़ी वाली खानी है? सॉफ्टी? हाँ जी सॉफ्टी। अच्छा फ्लेवर चेक कर रहे हैं। ओए एलो एलो आ गई है थोड़ी, बहुत बढ़िया मिलती है यहाँ की आइसक्रीम, बहुत बढ़िया। मम्मी आपने भी खानी है? हाँ मम्मी ने भी खानी है। हमारी मम्मी पीछे नहीं हटती खाने पीने मामले में। सही है सही है। दूसरी वाली खाओगी? अच्छा मम्मी और दूसरी वाली खाएंगी। खा के देखो, खा के देखो, खाओ खाओ खाओ, नहीं खा के देखो। कौन सी लेनी है? अच्छा 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 सही है। चलो भाई फिर आगे बताते हैं दूसरा आगे अपना क्या रहेगा हिसाब। ये मम्मी के आगे देखो कुल्लड़, ये इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आइसक्रीम। आइसक्रीम तो मुझे पता, कौन सी? इसको भी आइसक्रीम बोलते हैं, दूध वाली आइसक्रीम। चलो कैसी है मम्मी? चलो अरे मेरी जग्गा डाकू, बुआ, पापा, भाई,
फुफड़ जी बाय 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 बाय, ये बोल रहे दिल्ली आएंगे पक्का पक्का आओगे ना, अब झूठ बोल लो आपके साथ बैठ गए। दीपू भाई रेडी हो गया, मम्मी रेडी होगी, भाई बाय कर दो, बाय बाय। अरे आप भी जा रहे हो? बुआ हमारी सुबह सुबह तैयार होगी, चाय चुए पिला दी हमारे को। ये बुआ की किचन, जितना बड़ा दिल्ली में घर होता उतनी बड़ी किचन है यहाँ पे। चलो भाई आ जाओ, बच्चे बच्चे सो रहे हैं, अब यहाँ से निकल रहे हैं, बड़ा मजा। हाँ पानी दे दो, पानी दे दो, गाड़ी हमारी रेडी हो गई है, भाभी हमारी बाहर आ गई है। भाभी दिल्ली आना है। अच्छा, आपके तो रिलेटिव भी हैं। हाँ जी, हाँ जी। आओ चक्कर लगाओ, मैंने उनको भी बोला आपको भी बोला है। अगर अब आप आओगे तब आइए। हाँ तो बच्चों को ले आना ना, थोड़ा सर्दी का टाइम होगा ना, आप बच्चों को ले आना। अब तभी आएंगे जब आप आओगे। अभी धर्मेंद्र पाजी ने आना है, धर्मेंद्र पाजी ने आना है, उन्हीं के साथ गाड़ी में बैठ के आ जाना। डन। चलो जी गाड़ी रेडी हो गई है, अब हम भी निकल रहे हैं, बच्चे सारे सो रहे हैं तो उनको तंग नहीं करेंगे। और बहुत मज़ा आया है यहाँ पे। अब हमारी एक बहन रह गई है, उसके घर भी जाएंगे। भाई 9 साल में पहली बार ऐसा होगा कि अपनी सारी बहनों के घर गए हैं। भाभी हमारी द्वारका में ही, इनका आना जाना है हमारे घर के पास ही, तो यहाँ से निकलते हैं। बच्चे सो रहे हैं, सोने दो, गाड़ी में निकाल बैठ दो, मैं गाड़ी पीछे कर रहा हूँ। ठीक है भाभी, बाय कर दो, चल परब बाय कर दे। सुबह सुबह उठ गए सारे, परेशान हो गए, और बच्चे सो रहे हैं, उनको सोने दो। चलो मैं बाहर निकाल देता हूँ गाड़ी। चलो गाइस अब आगे चलते हैं, अब चलते हैं हमारी लास्ट बहन उनके घर। मजे आ गए, सारे तीर्थ कर दिए हमने। हाँ जी सरदार जी, बाय कर दे, कर दे, कर दे। सरदार जी सिद्धू मूसे वाले के गाने पे बाय करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। ओ सरदार जी, ओ भाई मम्मी को दे दो। चलो यार सरदार जी भी उठ गए, कर दो। आप भी आओगे ना दिल्ली? पक्का पक्का, मेरी शादी से पहले सबकी बनाई है, मैं सबको भेजूंगा सारी की सारी चीजें। चलो जी अपने घर से रवाना, सारे रेडी। चलो पापा बैठो, चलो भाई बैठ जा, चलो भाई ख्याल रखो अपना। चलो भाई जब आगे चलते हैं, प्रभ कर रही है, बाय बाय, दुआ कर रही है। चल प्रभ बाय। चलो मम्मी इमोशनल होगी थोड़ी सी। चलो बच्चे हैं, चलो चलते हैं, इनको भी जान दो, सो का टाइम है। बाय बाय, आइयो दिल्ली आइयो पक्का।